Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक रुपया खर्च नहीं होगा। जमींदरमा बात करेगी, जिले में बात करेगी, जमींदरमा बात करेगी, स्टेट में बात करेगी, डीआईजी से बात करेगी, चीफ मिनिस्टर से बात करेगी। अभी पिछले दिनों सोनू कुमार जी, जब मौना जौहर साहब और मौना करण साहब की पूरी टीम पूरे डुमरी के इलेक्शन में जब मुकम्मल ये लोग दिन रात एक ही हुए थे, अकबर भाई वगैरह तमाम के तमाम उलमा, और ये सीट निकली है देवी डुमरी की, जो सीट निकली है जमीदुलमा की कुर्बानियों का एतराफ गवर्नमेंट को भी है, जमीदुलमा की कुर्बानियों के एतराफ अरबाब हुकूमत को भी है। सोनू का फोन आया, सोनू कुमार के गिरिडीह के एमएलए हैं कि बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो कि आपके जमीयत के लोगों ने इतनी मेहनत की कि हमारी सीट निकल गई। मैंने उनसे कहा कि चीफ मिनिस्टर आज आप यहाँ आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर जुलूस में शरीक होंगे, आप चीफ मिनिस्टर से बैठ के ये बात कीजिए और ये कहिए कि मुसलमानों ने जो साथ दिया, जमीयत ने जो साथ दिया, उन तमाम चीजों को बताइए। और मैंने सोनू कुमार से ये बात कही कि मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, आप ये मुझे बताइए कि मॉब लिंचिंग का जो कानून जो गवर्नमेंट ने जो इत्तबा में पड़ा हुआ है, उस मॉब लिंचिंग के कानून को कब कानून बना रहे हैं। ये जमींदरमा ने ये बात कही, जमीयत ने कभी ये बात कही है कि इस कमरे इस मदरसे में ये कमरा बना दो, ये इमारत बना दो, वो कर दो, ये कर दो। जमीदुलमा का ये काम नहीं है, जमीदुलमा का ये काम है कि फना चीज नहीं बनी है, अकलियती कारपोरेशन नहीं बनी है, अकलियती इदारे नहीं बने हैं, इसका चेयरमैन को नहीं बना है, वक्फ बोर्ड गैर मुतहरिक फाल है, हज कमेटी का हाल अच्छा नहीं है। जमीदुलमा इन इशूज पे बात करती है, मुसलमानों के इशूज पे बात करती है। अगर आप मजबूत होंगे, किसी का गुदर थाने के जो जिम्मेदार होंगे, बगैर आपके बुलाए कोई मसला यहाँ का थाना हल नहीं कर सकता है जब तक कि आप नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आप मुंतशिर रहेंगे, आपकी ताकत मुंतशिर रहेगी, आप अलग सियासत करेंगे, आप अलग मामला करेंगे, तो मेरे दोस्तों कभी ताकत नहीं बन सकेगी। आज ये अहद कीजिए कि जमीदुलमा को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद झारखंड, जिंदाबाद शहाबुद्दीन, जिंदाबाद। इसके साथ एक बात मैं ये कहूँगा, जमीयत का फाउंडेशन में, जमीयत की बुनियाद में सिर्फ एक चीज है, वो है खिदमत हक, आम इंसानों की खिदमत। मंजर साहब ये समझ न रहे कि आपने ऑफिस बना लिया है तो ऑफिस का ये चर्चा बहुत होगा, आपको बसों के जो मुसाफिरीन है, जो रात दिन को बस नहीं मिलेगी, मैं आपको फोन करूंगा कि बगोदर में रामगढ़ का एक मुसाफिर है, वो मुझको नहीं जानता है, लेकिन जमीयत उसने फोन किया, उनके खाने का इंतजाम कीजिए, उनके रहने का इंतजाम कीजिए, उनके किराए का इंतजाम कीजिए। आप 12 बजे रात उठ करके जाइए, बस स्टैंड मोटरसाइकिल आप चालू करके वहाँ जाकर खिलाइए। ये है जमीदुलमा का काम। बेशक बेशक बेशक। काम ये है कि यहाँ कोई आदमी कोई अगर बाजार में जिसको को रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई उसको कोई मंजिल तक पहुँचने की उसको परेशानी है, स्टेशन जाने का रास्ता उसको उसके पास इंतजाम नहीं है, आप उनका इंतजाम करें। बे यारों मददगारों को पूछना, यही जमीदुलमा का काम है। बेशक अल्लाह ताला हमको इस पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, और इस तरह के ऑफिसेज, इस तरह के इदारे हर हलते में कायम हों। सबसे पहले मौना करम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिले के सदर हैं, मौना जौहर साहब को के प्रखंड को देख रहे हैं, इसके साथ सेक्रेटरी साहब हैं, अकबर भाई हैं, और भी जिम्मेदार हैं, ये कारकुनान यहाँ मौजूद हैं, मौना बिलाल, मौना वासिफ, मौना अबू तरहा और मंजर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों से दीन मिल्लत का काम ले, इस्तेकामत नसीब करवाए और इत्तेबाए सुन्नत के दौलत से हमें नवाज दे। वाखुदा वाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।